नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ खास खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए हथियार तस्करी और अपराध करने की नीयत से झांसी में रहकर योजना बना रहे तीन बांग्लादेशी घुसपैठियों को एसटीएफ टीम ने और एसओजी वसीपुरी बाजार पुलिस की मदद से मुठभेड़ में दबोच लिया। तीनों से पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि चुनाव में हथियारों की तस्करी के लिए कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों के उत्तर प्रदेश में दाखिल होने की सूचना पुलिस व एसटीएफ टीम को मिली थी। इसी क्रम में उनकी लोकेशन झांसी मिलने पर एसटीएफ टीम पीछा करते हुए झांसी आ पहुंची। टीम ने एसओजी वसीपुरी बाजार पुलिस की मदद लेते हुए ग्वालियर रोड रक्षा तिराहा के पास नहर की पुलिया के निकट घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने बचाव करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो साथी फरार हो गए। गिरफ्तार युवकों के नाम सुलेमान उर्फ जिलमन मीन उर्फ मिंटू जाकिर खान उर्फ असलम निवासी जिला भगरेट खुलना बांग्लादेश। इनके पास से अवैध तमंचा व कारतूस के साथ ही दिल्ली के पते पर बना आधार कार्ड व गाजियाबाद से जारी ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि यह लोग पहले भी बॉर्डर पार कर भारत आ चुके हैं। झांसी में आधार कार्ड बनवाने की कोशिश की जा रही थी। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस तथा झांसी पुलिस द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में तीन बांग्लादेशी राष्ट्रीयों को पकड़ा गया है। अवैध रूप से झांसी में आवासित थे, किराए के मकान में रहते थे। इनके द्वारा अवैध असलहे खरीद फरोख्त का काम किया जाता था और घरों को चिन्हित करके उसमें डकैती का प्लान बनाया जाता था। इन व्यक्तियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। दो व्यक्तियों द्वारा फायर किया गया था, उनके कब्जे से असलहे और फायर शुदा तथा जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति अलामीन के पास से आधार कार्ड बरामद हुआ है, जो दिल्ली के पते से बनाया गया है। एक व्यक्ति असलम के नाम का डीएल बरामद हुआ है, जो उसने अवैध रूप से बनवाया था। इनको गिरफ्तार करके विभिन्न धाराओं में फॉरेनर एक्ट में और पासपोर्ट एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।